क्या कभी रात को सोते समय आपको ऐसा लगा है कि कोई आपका गला दबा रहा है, किसी ने आपको जकड़ लिया है? आप उठने की कोशिश करते हैं पर उठ नहीं पाते, आप चिल्लाना चाहते हैं पर आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, और बहुत कोशिश करने के बाद जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आपके दिल की धड़कन बहुत तेज होती है और आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई था जो मुझे मारना चाहता था, कोई भूत था, कोई प्रेत था, या कोई डायन थी, या कुछ और था। नमस्कार दोस्तों, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और दुनिया के हर व्यक्ति कभी न कभी ये महसूस करता है। इसे विज्ञान की भाषा में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये दिमाग में नींद और जागने के बीच की एक अवस्था है। बहुत डरावनी होती है स्लीप पैरालिसिस की अनुभव। इस दौरान न तो इंसान पूरी तरह जागा हुआ होता है, न ही पूरी तरह सोया हुआ, क्योंकि इस दौरान दिमाग और शरीर एक दूसरे के साथ नहीं देते। सोने के बाद आपने कभी महसूस किया है कि आप होश में हैं और उठने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका पूरा शरीर जम गया है? नींद में इस स्थिति को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जब व्यक्ति को लगता है कि वह होश में है पर उसका शरीर हिलडुल नहीं सकता। गहरे नींद आने से पहले या नींद खोलने से कुछ देर पहले यह परेशानी हो सकती है। इसके कारण व्यक्ति का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है और थकान और कमजोरी की शिकायत होने लगती है। आसान शब्दों में समझे तो इस स्थिति में व्यक्ति न तो पूरी तरह से जगा हुआ रहता है, न ही पूरी तरह से सोया हुआ। इस दौरान इंसान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वह चाहकर भी किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकता, क्योंकि इस स्थिति में उसके शरीर में दिमाग का हिस्सा तो जागृत रहता है पर शरीर पूरी तरह से शून्य की स्थिति में बना रहता है। इस अवस्था में इंसान अपना दिमाग के जागृत होने के कारण सब कुछ समझ पाता है, यहाँ तक कि उसके साथ जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसे महसूस कर पाता है, पर वह किसी को अपना अनुभव साझा नहीं कर पाता। वो किसी को अपनी समस्या को समाप्त करने या समस्या को सुलझाने के लिए बोल नहीं पाता। यदि बोलने का प्रयास भी करे तो उसका सारा प्रयास बेकार हो जाता है। स्लीप पैरालिसिस की समस्या किसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से होती है। इसे बुरा सपना समझकर नज़रअंदाज न करें। स्लीप पैरालिसिस के लक्षण दिखने पर तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार स्लीप पैरालिसिस की स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक तब होती है जब स्लीप पैरालिसिस में हेलुसिनेशन और एंजाइटी एक साथ हो जाए। यानी व्यक्ति को स्लीप पैरालिसिस है और उसमें हेलुसिनेशन और एंजाइटी के लक्षण दिखने लगे तो यह मामला बहुत खतरनाक हो जाएगा। स्लीप पैरालिसिस आमतौर पर नौजवान युवाओं में देखी गई है। एक स्टडी से पता चलता है कि लगभग 25 साल से 44 साल के बीच के लोगों में स्लीप पैरालिसिस के लक्षण ज़्यादा देखे गए हैं। स्त्री और पुरुषों में दोनों में बराबर तरह से स्लीप पैरालिसिस के लक्षण देखे गए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं स्लीप पैरालिसिस के कारण के बारे में। स्लीप पैरालिसिस बहुत ही गंभीर बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी का मुख्य जड़ मानव का मस्तिष्क है। और मेंटल कंडीशन के दृष्टि से देखा जाए तो यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सामाजिक या आर्थिक रूप से परेशानी है तो वह अपने दिमाग पर आवश्यकता से अधिक लोड डाल देता है, जिसके कारण स्लीप पैरालिसिस जैसे गंभीर बीमारी हो जाती है। स्लीप पैरालिसिस तीन स्थितियों में उत्पन्न होती है। पहला, जब आदमी सोने की कोशिश करता है तो उस दौरान नींद की शुरुआती चरण में ही स्लीप पैरालिसिस की समस्याएं हो सकती है। दूसरी स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है और फिर अचानक से जाग जाता है। तीसरी स्थिति तब होती है जब व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा काम करके थक जाता है और अचानक उसे झपकी आ जाती है। अब आइए जानते हैं कि क्यों होता है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस होने का मुख्य वजह है निगेटिव थिंकिंग में डूबे रहना। लोग डिप्रेशन में जीने लगते हैं जब वो बहुत ज़्यादा दिन तक निगेटिव थिंकिंग में डूबे रहते हैं। इससे उनके मानसिक सेहत पर निगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोग डर और भय के माहौल में जीने लगते हैं। इसके चलते स्लीप पैरालिसिस के दौरा पड़ने लगता है।
अपने जीवन शैली में सुधार करके इस पर काबू किया जा सकता है। कोकीन का नशा करने वाले को खास तौर पर स्लिप पैरालिसिस होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि आप कोकीन का सेवन करते हैं तो आज से ही सावधान हो जाए। आइए जानते हैं क्या है स्लिप पैरालिसिस के लक्षण। स्लिप पैरालिसिस के कंडीशन में व्यक्ति बोलने और अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ रहता है। स्लिप पैरालिसिस के कंडीशन में व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसके आसपास नकारात्मक शक्ति है। किसी अनजान व्यक्ति के कमरे में होने का एहसास होना भी स्लिप पैरालिसिस में देखा गया है। स्लिप पैरालिसिस के अधिकतम केस में छाती और गले में दबाव और घुटन जैसा व्यक्ति महसूस करता है। स्लिप पैरालिसिस में अपने मन पर या अपने मस्तिष्क पर किसी काले साया का होना ऐसा देखा गया है। लोगों को एहसास होता है कि कोई ऐसी शक्ति उसके आसपास है जो उसे नुकसान पहुंचा रही है और लोग डरने लगते हैं। आइए जानते हैं स्लिप पैरालिसिस के कैसे बच सकते हैं। स्लिप पैरालिसिस से बचने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, पीठ के बल न सोए, अपने स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर बनाएं, रोज पर्याप्त नींद लें और एक ही समय पर सोने का प्रयास करें। सोने के पहले खुद को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अगर आप किसी समस्या की वजह से कोई मेडिसिन ले रहे हो और मेडिसिन लेने के बाद यदि आपको स्लिप पैरालिसिस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपना डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। इंसोमिनिया, नार्कोलेप्सी और बाइपोलर डिजॉर्डर से यदि आप ग्रसित हो तो उनका जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, योगा और प्राणायाम करें। दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं स्लिप पैरालिसिस के इलाज से जुड़ी कुछ बातों के ऊपर। आज भी जब किसी को नींद में भूत प्रेत दिखने या हिलने ढुलने की समस्या होती है तो इसे ऊपरी हवा या झाड़ फूंक से जोड़कर देखा जाता है। मतलब आज भी आपको ऐसा अनुभव होता है तो लोग बोलते हैं इसके ऊपर कुछ बाहरी हवा या नकारात्मक ऊर्जा हावी है, इसके ऊपर भूत प्रेत या टोना जादू हुआ है। जबकि यह एक मानसिक समस्या है, इसका सही इलाज मनोचिकित्सक द्वारा किया जा सकता है। इसलिए बिना देर किए किसी भी साइकोट्रिस्ट या मनोचिकित्सक से मिले और सही में इलाज करवाएं। जल्दी सोए और जल्दी उठे, यानी सूर्यास्त के बाद जितनी जल्दी आप सो सके सो जाए और सूर्योदय के पहले उठ जाए। आजकल इंसान देर रात तक काम की वजह से जगना या देर रात तक टीवी देखना, मोबाइल में लगे रहना और सुबह देर से उठने की आदत बनती जा रही है, इससे मानव की जीवन शैली प्रभावित हो रही है। कभी जल्दी में अगर कहीं उठना है और देर रात तक आप मोबाइल पे या टीवी पे लगे रहे हैं और आपको सुबह जल्दी उठना पड़े तो आपके शरीर और मस्तिष्क को पूरा आराम नहीं मिल पाता। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो आपको स्लिप पैरालिसिस या अन्य कोई मेंटल डिजॉर्डर हो सकता है। इसलिए रात को जितनी जल्दी सो सके सो जाए और सुबह जल्दी उठे। सुबह जल्दी उठने का एक फायदा है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है जिसे आप व्यायाम या योगा के लिए निकाल सकते हो। यदि आप सुबह से योगा और व्यायाम करते हो या एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है और आपके दिमाग को की शक्ति में भी वृद्धि होती है, आपका दिमाग दुरुस्त होता है। इसलिए सुबह जल्दी उठे, अपने व्यायाम और योगा के लिए टाइम निकालें। और एक चीज़ और देखी गई है, जो लोग लेट में उठते हैं उनके शरीर का स्वस्थकरण या शरीर का जो भी नित्य कर्म है वो लेट में होता है, जिसके कारण उसके दिमाग में एक प्रकार का अवसादग्रस्त होता है, उसमें क्लियरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की कमी पाई गई है। इसलिए आपको स्लिप पैरालिसिस जैसे डिजॉर्डर से बचना है तो अपने दिनचर्या में सुधार लाए, जल्दी उठे, योगा और प्राणायाम करें, लोगों से मिलजुल कर रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और उन्नति करें। जय हिंद, जय भारत।